यूपी में 2017 के चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारी भी इधर की जा रही है। समाजवादी पार्टी सभी सेक्युलर दलों को एक साथ लाने की कवायद में जुट गई है और इसी सिलसिले में आज शिवपाल सिंह यादव ने आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह से मुलाकात की है। देखिए रिपोर्ट। मिशन 2017 से पहले यूपी में बिहार की तर्ज पर महागठबंधन की तैयारी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष अजीत सिंह से मुलाकात की। वो गए तो थे 5 नवंबर को एसपी के रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देने, लेकिन मकसद सियासी भी था। मुलाकात के बाद शिवपाल ने कहा कि उनकी कोशिश सेक्युलर ताकतों को एक साथ लाना है। दोनों पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि लोहियावादी और चौधरी चरण सिंहवादी लोग एक साथ आएं और साथ में चुनाव लड़े। अजीत सिंह ने भी शिवपाल के सुर में सुर मिलाया। और जितने भी सेकुलर लोग हैं वो सब लोग इकट्ठे हो जाएं और हम चाहते हैं कि लोहिया वादी और चौधरी चरण सिंह वादी ये सब लोग मिल करके और इन्हीं लोगों को हम निमंत्रण दे रहे हैं 5 नवंबर को। हाँ, 5 नवंबर को उसमें हम जरूर शरीक होंगे। देखिए, हम तो करीब 1 महीने पहले ही जो अभी शिवपाल जी ने कहा वही कि लोहियावादी और चरण सिंह वादी इकट्ठे होने चाहिए, एक मंच पे आने चाहिए, किस रूप में आए वो डिस्कस करने की बात। उधर बीजेपी का कहना है कि इस महागठबंधन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के कुनबे में घमासान मचा है तो दूसरी तरफ अजीत सिंह का यूपी में कोई जनाधार नहीं बचा। घर संभल नहीं रहा और इसी घर को दिखाकर दूसरे के घर को जोड़ने की बात कर रहे हैं। कहीं से भी ये ग्रैंड लाइंस होने से भी क्या फर्क पड़ रहा है। अजीत सिंह हाशिए पे हैं और कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, तो अगर ये 000 को मिलाएंगे फिर भी हो जाएंगे 0। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव इससे पहले जेडीयू नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल बिहार में महागठबंधन का प्रयोग सफल रहा था। हालांकि बिहार में समाजवादी पार्टी आखिरी वक्त में महागठबंधन से अलग हो गई थी, लेकिन अब वो बिहार फॉर्मूले को यूपी में आजमाना चाहती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपने 25 साल जलसे को सियासी मंच में बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।